ओह दिस इज मैजिकल। ये जगह तो बहुत ही प्यारा है। इतने छोटे छोटे कटेज है, चारों तरफ पहाड़। नमस्ते नमस्कार जय जगन्नाथ। मैं श्रीकांत आपको स्वागत करता हूँ लाइफ टू एक्सप्लोर में। पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि हमने एक खूबसूरत सा फॉरेस्ट ड्राइव करने के बाद कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर एक फॉरेस्ट कैंप है, हम उधर चेक इन किया। आप देख रहे हो पीछे कितना खूबसूरत सा छोटा छोटा कॉटेज। वैसे ना इधर 10 ऐसा छोटा छोटा कॉटेजेस है पूरा लाइन में, और साइड में ये दिख रहा है कावेरी रिवर, क्योंकि ये कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर है, पूरा फॉरेस्ट के अंदर। आसमान देखिए डीप है। चल उधर थोड़ा चल। इधर से दिख रहा है कावेरी का, आई थिंक ये कावेरी नदी का है, नहीं तो गोपीनाथम लेक जो है उधर है, उसका बैक वाटर है। इधर एक लेक है गोपीनाथम, हम गोपीनाथम विलेज के पास ही है, ये जंगल लॉर्ड्स का प्रॉपर्टी है, गोपीनाथम मिस्ट्री ट्रेल्स। मैं अंदर भी दिखा लेता हूँ कैसा दिख रहा है ये कॉटेज। इसके अंदर छोटा सा स्पेस लेकिन बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। हाँ टेबल फैन दिया हुआ है, बाकी कुछ एक्सपेक्ट मत करना, इधर एसी वैसी तो है नहीं। फॉरेस्ट में जितना फैसिलिटी बेसिक मिलेगा उतना ही अच्छा। और ये रेस्ट रूम है अटैच्ड, और केटल वेटल दिया हुआ है, चाय पानी कॉफ़ी जो कुछ भी है, टॉर्च भी दिया हुआ है। और गीज़र नहीं है, गीज़र के लिए आपको एडवांस में बोलना पड़ेगा उनको 15-20 मिनट्स पहले, आपको गर्म पानी चाहिए तो। गर्म पानी चाहिए तो वो लोग प्रोवाइड करवा देंगे। क्या कर रहे हैं यजमान? बर्ड्स, हाँ ये सब नेचर का डिटेल्स है। इधर आसपास क्या क्या है उसमें लिखा हुआ है, एक बुक दिया हुआ है ना उसमें पूरा डिटेल है। टोलोक लोक को हमने चेक इन किया और कल सुबह 10:30 को चेकआउट है, ब्रेकफास्ट के बाद। लंच ब्रेकफास्ट डिनर सब इंक्लूडेड है। हमको पड़ा टैक्स वैक्स सब मिला के कुछ 7,500 हम तीनों का। वेबसाइट में लिखा था 2,500 पर हेड इंक्लूडिंग फूड, लेकिन टैक्स टैक्स वैक्स करके शायद उतना ही आ जाएगा। पता नहीं आयुष्मान का कॉस्ट लगा नहीं लगा, क्योंकि हमने सिलेक्ट किया था 2% वन किड, तो फूड इंक्लूडिंग फूड सबको 7,500 में हो गया। इसका बुकिंग डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वैसे ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, तो आप उधर जाके आप भी बुक कर सकते हो। ये मैं पूछा तो सारे के सारे 10 कैंप ऑलरेडी बुक है, तो बुक हो जाता है। इतना प्यारा सा जगह ऑब्वियसली थोड़ा सा डिस्टेंस में है बेंगलुरु से, ये 230 किलोमीटर, लेकिन इधर तक पहुंचने तक रूट लास्ट का फ्यू किलोमीटर छोड़ दो, क्योंकि फॉरेस्ट रोड ना इतना भी अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन पूरा नज़दीक तक एकदम फर्स्ट क्लास। देखो मतलब 140 किलोमीटर तो नेशनल हाईवे 44 में आ गए हम, बाकी का रोड भी जो था वो भी शानदार रोड था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ब्यूटीफुल सा जगह, एक नज़र डाल ही दो। इधर आसपास डाइनिंग एरिया है, पार्क है, हाँ चिल्ड्रंस प्ले एरिया भी है, और उनका कुछ क्या बोलते हैं नेचर वॉक है इवनिंग को, नेचर राइड। तो ये गाड़ी में शायद लेके जाएंगे। एनीवे जो कुछ भी होता रहेगा मैं आपको दिखाता रहूँगा। आयुष्मान बहुत गर्म रहेगा, बहुत गर्म। ये गोपीनाथम लेक के लिए रास्ता है, कोरेकल राइड भी है बोल रहे थे, बहुत बढ़िया सा सीट आउट एरिया। ये बाप रे देख, गंदा हो जाएगा आयुष्मान। इतना धूप में मत खेल, इधर इधर, हाँ इधर बैठ चलेगा। की मजा।
ये जगह तो बहुत ही प्यारा है। इतने छोटे छोटे कटेज है, चारों तरफ पहाड़ और बीच में हमारा कटेज। और कटेज से ये दिख रहा है पूरा डैम का भी पानी। कौन सा? गोपीनाथम गोपीनाथम डैम, डैम। गोपीनाथम डैम है ये। बहुत ही प्यारा जगह है, और बच्चों के लिए भी तो थोड़ा बहुत खेलने के लिए भी है। आयु आयुष्मान का क्या कर रहा तो है? चालू है। आयुष्मान वही कर रहा है, जब से आया है बस एक के बाद एक कुछ ना कुछ ट्राई कर रहा है। अभी अभी बात हो रहा था मेरा ये जो जंगल लॉर्ड्स का प्रॉपर्टी को जो मैनेज करते हैं उनसे, उन्होंने बोला कि रिसेंटली ये लिया कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ये चलाने के लिए जंगल लॉर्ड्स, तो रिनोवेट होना बाकी है। आप जैसे कि देख सकते हो थोड़ा बहुत तो मेंटेन होना बाकी है, थोड़ा बहुत हम देख सकते हैं इम्प्रूवमेंट का अपॉर्चुनिटी बहुत सारा है एकदम मतलब परफेक्ट बनाने के लिए। फिर भी आपको जैसे पता है जंगल में या फॉरेस्ट में ऐसा होम स्टे हो या प्रॉपर्टी हो, कैंप हो, टेंट हो, हमको सच में कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। कोई लग्जरी चाहिए नहीं, सिर्फ सुकून चाहिए। तो उसके लिए तो जगह बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो ये है हमारा गोल घर डाइनिंग हॉल, इसको ही गोल घर बोलते हैं ना। ये पत्ता गोभी, भिंडी, ये क्या है? कर्ड राइस, नॉर्मल राइस, ये सांबर, रसम, ये स्वीट है, खीर है क्या? अच्छा, ओके गुड। और ये पापड़, कर्ड, कौन सा है? एक करी सर, एक करी। हाँ, वेज बिरयानी, चिकन बिरयानी चिकन बिरयानी। तो ओनली वी विल ईट चिकन बिरयानी मामा, ओनली वेज, प्योर वेज। कैसा है खाना? अभी तो टेस्ट नहीं किया ना, सूप सिर्फ। आयुष्मान टेस्ट किया? आयुष्मान अच्छा है, गुड। आयुष्मान को स्पाइसी नहीं होता तो सब अच्छा लगता है। खाना हो गया, अभी जो खाना खाया है उसको पचाना है, ऐसा करके रेस्ट ले आयुष्मान, इतना ज़्यादा साइकिलिंग भी ठीक नहीं है। थोड़ा सा रेस्ट खाना खाने के बाद नहीं चलाना है। चल टेंट पे चलते हैं, फिर थोड़ा रुक उधर। धूप तेज है लेकिन ना फॉरेस्ट एरिया है, लग रहा था कि थोड़ा ठंडा रहेगा, शायद इवनिंग के बाद होगा। अभी फ़िलहाल ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज़्यादा है, पसीना आ रहा है। बारिश वारिश होता तो मज़ा आ जाता, लेकिन लग तो नहीं रहा है। क्लाउड्स दिख रहे हैं लेकिन डाउट है बारिश होगा कि नहीं। पता नहीं रात को क्या होगा, बारिश होगा तो ठंड लगेगा, नहीं तो हाँ गर्मी लगेगा यार, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, पसीना पसीना हो रहा है। ये क्या बोलते हैं, डैम है ना नज़दीक, तो ह्यूमिडिटी शायद इसीलिए थोड़ा ज़्यादा है। इधर रन करना पड़ेगा आयुष्मान, अंदर और थोड़ा ज़्यादा गर्मी है क्या? हाँ क्योंकि टेंट है ना और धूप आ रहा है। ऐसा बस थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर से 4:15 को वही जिधर हमने लंच किया उधर फिर से जाना है नेचर राइड। मुझे लगता है वो गाड़ी में लेके जाएंगे। लगभग मैं तो 1-1.5 घंटा सोया रहेगा मिनिमम। खाना पूरा दबा लिया, पूरा नींद आया, कुछ करने को होए नहीं, धूप है, फिर मैं सो गया। और आयुष्मान तो उसको कौन समझा सकता है, अभी भी देखो ये देखो उसका चालू है, साइकिल मिल गया उसको पूरा, मतलब जा अंदर जा रहा है, 10 मिनट के बाद बोलता है बहुत रेस्ट कर लिया, चलो अभी बाहर।
उसका चालू है बस, अभी टाइम कितना 4:15 हाँ 4:20 अभी ना जंगल के अंदर एक राइड पे जाएंगे, देखते हैं क्या क्या है। वैसे कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में थोड़ा वाइल्ड लाइफ स्पॉटिंग थोड़ा मुश्किल है, ज़्यादा है नहीं, पूरा डीप जाएंगे तो शायद दिखेंगे। हम बीच में हिरन देखे थे, अभी नहीं बहुत दिन पहले, मैं एक हाथी देखा था टस्कर, वो सब बहुत दिन पहले देखे थे, इतना पॉपुलेशन है नहीं लगता है। ये शाम होगा तो दिखेगा, अभी धूप में कुछ नहीं। पंछियाँ देख रहे हैं हम, पंछियाँ दिख नहीं रहा है। वैसे अभी तक हमने स्पॉटेड डियर देखा, बहुत सारे पंछियाँ देखा, पिकक, हाँ पिकक बहुत सारा है, फिर लंगूर, लंगूर तो हमारे गांव में भी है वो कॉमन है लेकिन ये ड्राइव ही तो एक फील है ना, पूरा फॉरेस्ट के अंदर ढेर सारे डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स आते हैं, नेचर का म्यूजिक बज रहा है। बीरप्पन जो किल किया था ये गुड़े IFS फॉरेस्ट ऑफिसर तक मार दिए समझ। IFS रे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, बोर्ड ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर राइट। मैं बोल रहा था ना ये सारे एरिया में कैसा बीरप्पन का राज था, जंगल में तस्करी कर रहा था, तो एक IFS ऑफिसर पी श्रीनिवास को जिधर मारा था ना ये जगह पे, तो उसका स्मारक बनाया गया है इधर। वैसे सिर्फ उसको नहीं, बहुत सारे फॉरेस्ट ऑफिसर, पुलिस, बहुत लोगों मारा था उसने। काफ़ी साल तक ये फॉरेस्ट, ये पूरा एरिया में वो तस्करी कर रहा था ना, चंदन का लकड़ी और हाथी दांत वो सब का। ऊपर भी शायद वैसे ही बना है कुछ स्मारक। तीस साल पहले की बात है, दिस इज मैजिकल।
बहुत सारे बटरफ्लाई हैं, मैं फर्स्ट टाइम देखा, कितने सारे कलर के, छोटे बड़े सबका डिफरेंट है। सिर्फ तू नहीं, हम भी पहली बार देखा इतना सारा बटरफ्लाई बटरफ्लाई देख रहे थे, लेकिन एक साथ इतना सारा। वो यही सीजन पे आते हैं बोल रहे ना उनका सीजन, वो पर्टिकुलर प्लांट्स है, सिर्फ उधर ही मंडरा रहे हैं सारे, वो दो दो ही प्लांट में ही इधर उधर हो रहे हैं। अमेजिंग राइड भाई, अमेजिंग राइड। कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पूरा डीप गए थे। एक्चुअली आप अगर पंछियों का क्लिप लेना पसंद करते हैं तो ढेर सारे पंछियां हैं। हमने तो DSLR वैसे रख के गए थे, हमको लगा इधर तो इतना डीप फॉरेस्ट है नहीं, इतना कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन दिखा हमको बहुत सारा पंछियाँ दिखा। वैसे नाम तो वैसे हमको इतना आइडिया नहीं रहता, इतना सारा वैरायटीज है कि बोल भी रहे थे। सिस्टर्स वुडपिकर, वुडपिकर का दो वैरायटी देखे, एक पूरा गोल्डन और येलो इस टाइप का था, प्योर, और एक था और पिहन पिकक। पिकक तो ढेर सारे। अभी गोपीनाथम डैम का जो बैकवाटर है उसके आसपास थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, इवनिंग का टाइम, पता नहीं कितना टाइम हुआ रहेगा, पता नहीं, एक मिनट मोबाइल देख लेंगे, 6 बज रहा है। इधर थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे फिर जाएंगे, फिर तो इवनिंग हो ही जाए, ऑलरेडी तो 6 बज चुके हैं। सबसे बेहतरीन टाइम है पूरा कल राइड का, क्योंकि पूरा धूप नहीं है, कुछ नहीं है, पूरा ठंडा मिल रहा है। ये कितना डीप वाटर है? 20 फीट का है। मछली तो बहुत है इसमें, नहीं पकड़ जाएगा, अलाउड नहीं है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ना। हर स्टोरी का ना दो पहलू होते हैं। मैं अभी तक बिरापन का विलियन साइड, मोस्ट वांटेड विलियन, और क्या क्या उसने किया वो तो बोल ही रहा था कि बहुत सारा पुलिस वालों को मारा, इधर स्मगलिंग करा था, राइट, हाथी दांत और इसका चंदन सैंडलवुड का। लेकिन हम जब कुराकल राइड में गए वो भैया बता रहे थे कि गोपीनाथम विलेज में और सत्यमंगलम के साइड पर और एक विलेज है, कम से कम 800 से 1000 घर, हर घर में आपको बीरापन का फ़ोटो मिल जाएंगे, उनको पूजा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो हेल्प भी कर रहा था, ज़रूरतमंद लोगों को, किसी का शादी नहीं हो रहा था उसको पैसा चाहिए दे रहा था, तो वो साइड भी हमने देखा कि हाँ वो मतलब कितना अच्छा आदमी था वो, मतलब वो बोले भैया। तो हमको तो नहीं पता कौन अच्छा है कौन बुरा है, जो स्टोरी फैब्रिकेटेड करके सुनाया भी जाता है
वो कभी कभार सच भी इतना मतलब सच तो होता ही ऑब्वियसली, लेकिन उसका दूसरा पार्ट हमको नहीं पता रहता है। तो हमको नहीं पता, हमने जो सुनाया सुनाया आपसे शेयर किया अभी क्या, अभी फिलहाल थोड़ा टाइम ऐसे ही बैठे हैं। और इधर और एक बात मैं बता रहा हूँ, इधर आप आओगे ना एक्सपेक्टेशन के साथ आना कि बहुत ह्यूमिड है, पसीना आ रहा है, मतलब बहुत गर्मी लगने वाला है। रात को पता नहीं क्या होगा, लेकिन अभी तक अभी टाइम हो रहा है कुछ 7:30 बजने को है, 7:40, फिर भी गर्मी हो रहा है, बिना फैन का, फैन लगाने से भी पसीना आ रहा है। खत्म हो गया फिर, और क्या चाहिए? पानी चाहिए, पानी है इधर। तो थोड़ा समय के बाद हम जाते हैं डिनर खा के, फिर कॉल इट अ डे। आजा 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 आजा, डिनर के लिए चलते हैं गोल घर। बढ़िया नाम दिया है वैसे, नाम के हिसाब से घर भी गोल ही है। सूप है, कॉर्न सूप, बहुत ही यम्मी लग रहा है वैसे। फिश फ्राई और ये नॉलखोल, वो वाला गोभी वाला लग रहा है। पालक पनीर, दाल राइस। चपाती तो मैं खाता नहीं हूँ, ये लोग चपाती खा रहे हैं, हम तो राइस वाला इंसान है। आगे हम खाना खा के, लंच और डिनर अच्छा ही था, हाँ बहुत ही सिंपल था। पालक पनीर थोड़ा सा और इम्प्रूव हो सकता था, लेकिन ओवरऑल बहुत ही अच्छा है यार खाना। पालक पनीर सेम ही, पालक पनीर शायद हमको पसंद नहीं इसीलिए ऐसा लगता है, लेकिन जो वेराइटीज ऑफ आइटम ये सब एकदम बहुत बढ़िया लगा। तो कल सुबह हम जाएंगे फिर से एक जंगल वॉक में, वाटरफॉल भी विजिट करेंगे, पास में है होगेनेकल फॉल्स, वो साइड नहीं, तमिलनाडु साइड नहीं, कर्नाटक का साइड भी होगेनेकल फॉल्स देखने के लिए। तमिलनाडु साइड हम 10 times या 15 times, ओ बहुत बार गए, बहुत बार, ये साइड तो कभी नहीं आए नहीं। तो कल वो एक्सप्लोर करेंगे, ये सारे चीज़ आएगा नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा रहेगा, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय जगन्नाथ, एडवांस हो जाएगा। खाना है सोना है, यस खाना है सोना है, और क्या काम है आज, मतलब कमेंट में आता है ना, मुझे इस मन जैसा जिंदगी चाहिए। खाना है सोना है, बाय माँ जय खाना थोड़ा आई लिखाओ पे तब बुलाई तो बोलो को बाय।